नमस्ते। आज हम एक नाटक करने जा रहे हैं, जिस नाटक का नाम अंधेर नगरी है। उसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। उसमें कोई भी छोटी मोटी गलतियां हो उसे क्षमा कीजिएगा। चलो बच्चा, अभी तो बहुत दूर जाना है। हाँ बाबा, अभी तो बहुत दूर जाना है, थोड़ी भजन कीर्तन हो जाए। ठीक है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बच्चा बच्चा, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिख रहा है। हाँ बाबा, यह नगर दूर से तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, थोड़ी भिक्षा भी सुंदर मिले तो बहुत आनंद है। ठीक है बच्चा, चलो चलते हैं। बच्चा गोवर्धन दास, तू इधर जा और तू चले इधर जा, मैं इधर देखता हूँ। मिठाई ले लो, मिठाई। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। राम राम बहन जी। राम राम बाबा जी, बोलिए आपको क्या चाहिए? ये टके शेर बाबा जी। ये भी सब कुछ टके शेर बाबा जी। हाँ तो 1 किलो कुल दीजिए। लीजिए बाबा जी। प्रणाम बाबा जी, क्या चाहिए आपको? ये लड्डू क्या भाव है? टके से। अरे जलेबी? सब कुछ टके से। ये भी? हाँ सब टके। अरे वाह, यहाँ सब कुछ टके से है। इस नगरी का क्या नाम है? अंधेर नगरी। और इसका राजा कौन है? अनुभुज राजा। अंधेर नगरी अनुभुज राजा, टके से भाजी टके से खा जा। हाँ बाबा जी। सब 1-1 किलो डाल दो। लीजिए बाबा जी। रीत बहुत भारी मालूम चल रही है। तुम्हारा सब भी गया? हाँ बहन, सब भी गया। चलो चलते हैं। चलो। बच्चा गोवर्धन दास, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। हाँ बाबा, भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, उसी की 3.5 सेर मिठाइयाँ ले ली। अच्छा बच्चा, इस नगर का क्या नाम है जहाँ इतना सस्ता मिल रहा हो? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी? हाँ बाबा। राजा कौन है? अनुभुज राजा। अनुभुज राजा? तो बच्चा, इस नगर में रहना अब ठीक नहीं। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा, चलो मेरे साथ। नहीं बाबा, मैं तो यहीं रहूंगा, वहाँ दिन भर घूमने से पेट नहीं भरता, यहाँ सब कुछ फ्री में।
ठीक है, कभी संकट पड़े तो अपने बाबा को याद करना। तुम तो चलोगे ना नारायण दास? हाँ बाबा। ठीक है चलो चलते हैं। बाबा का दिमाग खराब हो गया है, इतना अच्छा नगरी छोड़कर जा रहे हैं। मैं तो अब ये छोड़कर जाऊंगा ही नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा। चुप रहो, मारा जा रहे हैं। राम सभा शुरू की जाए। सभा शुरू की जाए। दुहाई महाराज, दुहाई, दुहाई महाराज, दुहाई। कौन चिल्लाता है? लगता है फरियादी होगा। उसे बुलाओ। फरियादी हाजिर हो, फरियादी हाजिर हो। दुहाई महाराज, दुहाई। घर करो। दुहाई महाराज, दुहाई। बोलो क्या हुआ? महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब के मर गई। न्याय हो महाराज, न्याय हो। न्याय होगा। सिपाही कल्लू बनिया को बुलाओ। कल्लू बनिया हाजिर हो, कल्लू बनिया हाजिर हो। महाराज मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया गया है? क्यों रे बनिए, फरियादी की बकरी कैसे मर गई? महाराज मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा तुम्हारा दोष नहीं है? नहीं महाराज। सिपाही कल्लू बनिए को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। जी महाराज। कारीगर हाजिर हो, कारीगर हाजिर हो। दुहाई हो महाराज, दुहाई। उसमें मेरा क्या कसूर है? क्यों रे कारीगर, फरियादी की बकरी कैसे मर गई? महाराज इसने मेरा कोई दोष नहीं है, का चूने वाले ने चूने में ज्यादा पानी मिलाना था इसीलिए दीवार गिर पड़ी, ये रहा चूने वाला। महाराज महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मुझे ऐसा चमड़े का बड़ा बर्तन दे दिया कि चूने में ज्यादा पानी लग गया। सिपाही कसाई, कसाई को पकड़ लाओ, चूने वाले को छोड़ दो। कसाई हाजिर हो, दुआई हो। मुझसे क्या गलती हो गई? क्यों रे कसाई, फरियादी की बकरी कैसे मर गई? मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। तो किसका कसूर है? कोतवाल की सवारी आ रही थी, डर के मारे बड़ी भेड़ का चमड़ा बेच दिया। सिपाही कसाई को छोड़ दो, कोतवाल को पकड़ लाओ। जी महाराज। कोतवाल हाजिर हो, छोड़ा महाराज हाजिर हो। महाराज मुझसे क्या गलती हो गई? क्यों रे कोतवाल, फरियादी की बकरी कैसे मर गई? महाराज महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो बस महाराज महाराज नहीं, सिपाही इसे फांसी दे दो। महाराज मेरा कोई कसूर नहीं। बस सभा खत्म। महाराज हमको छोड़ दीजिए। जल्लाद हाजिर हो। क्या हुआ? इसे फांसी देना है। चलो चलो। फांसी का फंदा तो बड़ा हो गया, किसी मोटे गले वाले को खोजना होगा। चलो खोजते हैं। मेरा तो जान बचा, मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ गया जी? ये रहा। चलो खाते खाते मोटे हो गए हो। कहाँ चलना है? फांसी देने। यू मैंने क्या कसूर किया? हर यार कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, फरियादी की बकरी मर गई, इसलिए तुम मोटे गले वाले को फांसी देना है। चलो महाराज महाराज बचाओ, महाराज गुरुदेव बचाओ। अरे क्या हुआ? कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी इसलिए फरियादी की बकरी मर गई, इसीलिए तुझे मोटे गले वाले को फांसी देना है। अच्छा ठीक है, इसे फांसी दो, मगर इसके पहले कुछ बात कर लेने दो। ठीक है यही पकड़ो। ठीक जाओ यहाँ पे दो मिनट का मत, इसे छोड़ दो और मुझे फांसी पर चढ़ा दो। नहीं मुझे फांसी पर चढ़ा दो। नहीं मैं चढ़ूंगा फांसी पर। मैं चढ़ूंगा फांसी पे। नहीं मैं चढ़ूंगा। नहीं मैं चढ़ूंगा। अभी तक फांसी क्यों नहीं लगी? ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इसलिए महाराज आज एक अंतिम घड़ी है, आज जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा।
अच्छा तो मैं चढ़ूंगा। अच्छा तो मैं चढ़ूंगा। नहीं मैं चढ़ूंगा फांसी पर। चुप हो जाओ, राजा को तो कोई फांसी पर नहीं चढ़ेगा। मैं ही राजा हूँ, मैं ही स्वर्ग जाऊंगा। ठीक है, राजा को फांसी चढ़ाए गए। राजा तो स्वर्ग चले गए, चलो अब हम भी चलते हैं। हाँ बाबा, इसीलिए मैं कहा था कि ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं। हाँ बाबा, मुझे विश्वास हो गया। ठीक है चलो चलते हैं।